शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा क्या है? अश्विनी मास के जो पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। और शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है? शरद पूर्णिमा का महत्व है कि चंद्रमा उस दिन धरती के बहुत ही नजदीक आता है, बहुत ही नजदीक आता है। और बरस भर में जितनी पूर्णिमा होती है, यह शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए इस शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा है। पहली बात तो धरती के नजदीक आता है चंद्रमा। और चंद्रमा देता क्या है? चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है तो धरती के जितना ही नजदीक आएगा उतनी ज्यादा अमृत की वर्षा होगी, ऐसा माना जाता है। ये जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, ये जो वनस्पतियां हैं, हाँ, तो इसके अंदर जो 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 अमृत है, जो खनिज करने की जो ताकत है इन पत्तियों में, पेड़ों में और आयुर्वेदिक वृक्षों में, ये सब चंद्रमा से आता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब धरती के सबसे ज्यादा नजदीक आता है तो सबसे ज्यादा अमृत की वर्षा करता है। तो उस दिन करना क्या चाहिए? उस दिन करना ये चाहिए कि अपने घर में खीर बनाना चाहिए, मीठा भात जिसे हम कहते हैं, खीर। खीर बना करके बाहर रखना चाहिए 12 बजे रात तक, शाम से लेकर के 12 बजे रात तक। और कुछ लोग तो बाहर ही खीर बनाते हैं, बाहर खड़े होकर के बाहर ही खीर पकाते हैं। तो खीर आप बनाइए और बाहर रखिए और उसमें खुला रखिए, उसके बाद उसमें जो है अमृत की वर्षा होगी। और माना यह जाता है उस खीर को जो जो खाएंगे उनकी बीमारियां दूर होती हैं। इसे शरद पूर्णिमा का महोत्सव कहा जाता है। और इसको कृष्ण भगवान ने भी किया था। जो रासलीला होती है, तो रासलीला भी हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन। उस दिन खीर बनाई गई थी और खीर बना करके रखा गया था और फिर उसके चारों तरफ जो है रासलीला हुई और रासलीला के बाद वह खीर खाई गई थी। तो श्रीमद् भागवत में भी इसका प्रमाण है, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं कुछ लोग। तो बहुत अच्छा दिन है। इस 17 तारीख को, मतलब गुरुवार धुंधरदा को 17 तारीख को शरद पूर्णिमा पड़ेगी 2024 इस बरस। तो आप सब जरूर मनाइए इसको। और शरद पूर्णिमा के दिन ही वाल्मीकि महाराज का जन्मदिन है, जिन्होंने पहली रामायण लिखी, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले खदिक्त लिखा, कविता लिखी, वाल्मीकि जी महाराज, ये उनका जन्मदिन है। तो शरद पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा है और वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि जी महाराज की पूजा होती है। तो आप लोग खूब अच्छे से मनाइए और खीर बना करके बाहर रख करके जागते हुए पूरे परिवार मिल करके उस खीर को खाइए और भगवत कृपा से आप सबका भला होगा, बीमारियां दूर होंगी, यह विश्वास रखिए। और विश्वास करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आप इसको मनाइए। मंगल हो आपका, मंगल हो आपका।